ग्वालियर के गुरुद्वारे में सेवा करने आए एक महिला और पुरुष ने खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाते ही गुरुद्वारे के प्रमुख सेवादार और अन्य लोगों की हालत बिगड़ गई और बेहोश हो गए। घटना घाटी गांव गुरुद्वारे में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है, लेकिन घटना की जानकारी सुबह लगी। जब स्थानीय लोग गुरुद्वारे पहुंचे तो सभी लोग बेहोश मिले। घटना का पता चलते ही पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं प्रमुख सेवादार की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस पड़ताल में पता चला कि आरोपी महिला और पुरुष गुरुद्वारे से नकदी के साथ ही उनके मोबाइल और अन्य सामान समेट लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ये आज सुबह सूचना मिली थी वहाँ पे कि घाटी गांव थाने में कि जो गुरुद्वारा हाईवे पे है वहाँ पे चार लोगों की तबीयत खराब हुई। कल कोई परिवार वहाँ रुका हुआ था एक दिन पहले से, जिसमें वे आदमी, उसकी पत्नी और एक बच्ची थी, और उन्होंने खाना कल बनाया और खाना इन लोगों को खिलाया। तो इनमें जब इन्होंने खाना खा लिया तो सुबह के टाइम जब एक आदमी उठाया तो उसको पता लगा कि उसका मोबाइल नहीं है। तो उसने देखा तो वो परिवार भी गायब था और इनके 10,000 रुपये और मोबाइल भी गए हुए थे। जो बाकी लोग हैं उनमें थोड़ा उनको खाने खाने का असर ज़्यादा हुआ, तो फिर उनको तत्काल अस्पताल लाया गया है। अभी उनसे चार लोगों में से तीन लोगों की हालत काफ़ी ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन में है, और हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जो आरोपी है उनको तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में आइडेंटिटी